हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी जीएसटी पेपर सॉल्विंग वीडियोस एंड आज हम सीखेंगे अबाउट रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी आपको बताऊंगा इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा एंड पिछले सेशन में हमने जो कॉम्पोजिशन स्कीम सीखा था वो भी थोड़ा रिवाइज इस सेशन में हम कर देंगे तो बेसिकली हमने जी के पेपर सॉल्विंग से क्वेश्चन नंबर वन से लेके अभी तक हम फोर डी तक पहुँच चुके हैं हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं अगर आप प्रीवियस सेशन आपने अभी नहीं देखे तो सारे सेशन देखिए और अगर आपको टैक्सेशन के सब्जेक्ट में डर लग रहा है जीएसटी के पेपर में डर लग रहा है अगर आप एक एमकॉम के स्टूडेंट हो और अगर आप जॉब जाते हो कुछ आपको पढ़, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जीएसटी का जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मोर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम के ऐप के ऊपर वो कोर्स अवेलेबल है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चलो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है आपको कुछ सिनेरियोस दिया जाएगा आपको कुछ डिटेल्स दिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको फाइंड करना है कि वो पर्सन जो है वो लाइबल होगा कि नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको ध्यान रखना है देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो कंसेप्ट है उसका उसमें फोर्टी लैक्स की लिमिट है नॉर्मल स्टेट्स के लिए फोर्टी लैक्स की लिमिट और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो ट्वेंटी लैक्स की लिमिट गुड्स के लिए और अगर सर्विसेज के लिए हम बात करें तो ट्वेंटी लैक्स की लिमिट नॉर्मल के लिए और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देखें तो टेन लैक्स की लिमिट है लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो लोग आ सकते हैं जो लोग कंपोजिशन स्कीम के लेवी के बेनिफिट को नहीं लेते अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है इसके ऊपर हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो भी आप एक बार सेशन जाके देखिए कॉम्पोजिशन स्कीम ऐसा स्कीम होता है जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए अप्लाई होता है और कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको लिमिट मैंने आपको बताया था 1.5 पॉइंट फाइव सी आर करोड़ से अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर करोड़ से कम रहेगा देन यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन लेवी देन यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड अगर आपका टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर सेवेंटी फाइव लैक्स से कम रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो तो आपको याद क्या रखना है कॉम्पोजिशन स्कीम में सेवेंटी फाइव लैक्स जो है दैट इज़ फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड नॉर्मल स्टेट्स के लिए डेढ़ करोड़ इनसे कम होना चाहिए टर्न ओवर तो ही आप स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं वो कॉम्पोजिशन का हो गया अभी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो लोग कॉम्पोजिशन में नहीं है और जिनको जी रजिस्ट्रेशन लेना है उनके लिए सिंपल रूल याद रखना है आपको 40 लैक्स याद रखना है 40 लैक्स की लिमिट याद रखना है 40 लैक्स और 20 लैक्स ठीक है गुड्स रहेगा तो 40 लैक्स और 20 लैक्स और अगर सर्विसेज रहेगा तो 20 लैक्स और 10 लैक्स ये 40 और 20 क्या है 40 लैक्स नॉर्मल स्टेट्स के लिए है 20 लैक्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है ये दोनों चीजें ध्यान रखो काफी इंपॉर्टेंट है अब देखो जीएसटी में ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको एक अगला टाइप भी बताता हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन अगले टाइप में आ सकते हैं काफी सिंपल है देखो ध्यान से आ, आपको कुछ डेट्स दिए जाएंगे कुछ अमाउंट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे तीन कॉलम्स है हमारे पास वी हैव टैक्सेबल सप्लाई विथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वी हैव एक्सपोर्ट सप्लाई एंड वी हैव एक्जम सप्लाई इधर इधर हमको डिटेल दिया है दी कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन सिक्स फेब्रुवरी एंड इनका टर्न के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड हमें ये ढूंढना है कि वेदर दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट इफ़ दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ येस देन फ्रॉम वेन दे आर लाइबल बिकॉज आर द डेट्स गिवन एंड अकॉर्डिंगली फ्रॉम दिट्स डेट्स वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा डेट उनका लाइबिलिटी का रजिस्ट्रेशन का डेट रहेगा तो लेटर्स फाइंड आउट कैसे फाइंड करना है इनको काफी सिंपल है तो आपको ये जो तीन कॉलम्स हैं इनको एड कर देना है तो देखते है कैसे इसको सॉल्व करना है देखो काफी सिंपल कॉलम्स है देखो सबसे पहले डेट का कॉलम बनाना है फिर जो कॉलम्स आपको क्वेश्चन में दिए थे वो कॉलम बनाने हैं फिर ए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम इन तीनों कॉलम्स को आपको ऐड करना है तो आपका कॉलम बनेगा टोटल सेल्स टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट सेल्स कुछ भी बोल सकते हैं एक कॉलम क्यूमलेटिव का बनाना है अभी क्यूमलेटिव क्यों बनाना है बहुत सिंपल है क्यूमेलेटिव आपने स्कूल डेज में भी किया होगा क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पहले आपको क्या करना है हर कॉलम का टोटल करके टोटल सेल्स बना देना है देन वी विल आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट दिस क्यूमेटिव देखो बहुत सिंपल इलेवन लैक फोर्टी सेवन हमने यहाँ पे पहले लिखना है देन हमें क्या करना है इस इलेवन लैख फोर्टी सेवन में ये थ्री लाख थर्टी सिक्स एड करना है यू विल गेट फोर्टीन लाख एटी थ्री फोर हंड्रेड फोर्टीन लाख एटी थ्री फोर हंड्रेड में थ्री ऐड एड करना है यू विल गेट सेवनटीन लाख एटीस फोर हंड्रेड सेवनटीन लाख एटी सिक्स फोर हंड्रेड में थ्री लाख एटी एट एड करना हैड्रेड ये सब वैल्यूज कैसे आए हैं ये प्लस किया है हमने ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम ये थर्ड कॉलम ये तीनों कॉलम्स को जब हम प्लस करेंगे तब हमें ये टोटल सेल्स मिलेगा एंड टोटल से ही हम क्यूमुलेटिव ढूंढेंगे ट्वेंटी वन लैख सेवेंटी फोर फोर हंड्रेड में ये सेवन लैख फोर प्लस करना है यू विल गेट ट्वेंटी एट लैख सेवेंटी एट फोर हंड्रेड देख ट्वेल्व थाउजेंड इसमें प्लस करना है हमको फाइनल टोटल क्या मिला थर्टी फोर लैक एटी फाइव फोर हंड्रेड ठीक है और हमारा लिमिट कितना है मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीगेट टर्न ओवर चालीस लाख से ऊपर होना चाहिए देखो कंडीशन कैसा है एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी इफ

थर्टी फोर लाख एटी फाइव फोर हंड्रेड जो अमाउंट है क्या ये चालीस लाख से कम है ऑब्वियसली कम है तो ये चालीस लाख से कम है इसका मतलब आनंद एंड कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर ये चालीस लाख से ज्यादा होता कोई भी अमाउंट या क्यूमिलेटिव आप देखते हो और चालीस लाख से ज्यादा होता से फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट में थर्टी फोर लैख एटी फाइव फोर हंड्रेड आया है यहां पे अगर फोर्टी फोर आ जाता था मतलब चालीस लाख से ज्यादा होता तो आप क्या कहते कि उनका एलिजिबिलिटी जो है लाइबिलिटी जो है ये अराइज हो गया बिकॉज उनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख ,00 ,00 से ज्यादा है एंड सिंस उनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख ,00 ,00 से ज्यादा है दे विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वी नीड टू मेंशन द डेट आल्सो तब हम ये डेट मेंशन करते 11 मार्च 11 मार्च से वो लाइबल हो जाएंगे ऐसे आपको कंक्लूजन में लिखना है दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन अब ध्यान रखना ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो रजिस्ट्रेशन में पूछा गया अब एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन में जिसमें क्या रहता है आपको ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई और अमाउंट दिए रहेंगे और बोला रहेगा कि ढूंढो रजिस्ट्रेशन वो तो उल्टा इससे भी सिंपल है उसमें क्या करना है समझो आपको ऐसे अमाउंट्स दिए एक सेंटेंस दिया है एक अमाउंट दिया एक सेंटेंस दिया है एक अमाउंट दिया है तो जितने भी अमाउंट्स दिए हैं वो सारे अमाउंट्स को प्लस करो प्लस करके करने के बाद देखो अगर गुड्स है तो 40 लाख से ऊपर जाता होगा तो लिखना है कि दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और अगर 40 लाख से नीचे नीचे रहेगा तो लिखना है दे आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्वाइट सिंपल बट यूजली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर रहा दोनों पढ़ के रखना दैट विल बी द बेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा पेपर हमने जीएसटी का सॉल्व कर लिया है सारे वीडियोज चैनल पर अवेलेबल है एक एक करके सारे वीडियोज देखिए एक एक करके सारे वीडियोज के नोट्स बनाइए और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और ज्यादा हर चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए तो आपको ऐप आप के अंदर कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा वो जाके देखिए और उससे काफी ज्यादा आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो सकता है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक केयर